इन्होंने किया सभी मॉडलों में, जैसे काइगर में किया है, ट्राइबर में किया, कवीड में किया, सभी मॉडलों के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। 6 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एसी के वेंट दो, 405 लीटर का काफी बड़ा आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है आराम से, 5-6 बैग इसके अंदर, इसे इसको 4 की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी हमारे पास है रिनोल्ट की काइगर गाड़ी है, RXT ऑप्शनल है, ये ब्लैक कलर है इसका। आज हम आपको इस गाड़ी का फुल डिटेल से रिव्यू कराने वाले हैं भाई। इस गाड़ी का जो इंजन है हमारे को 1000 cc का एक इंजन आता है, इसमें टर्बो, एक आता है एनर्जी, ये हमारे को एनर्जी इंजन के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। इस गाड़ी जो इंजन हमारे को पावर देता है 71 की, और जो टॉर्क देता है वो 96 की मिल जाती है। ये हमारी ना ग्लोबल NCP से इसको 4 की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिल जाती है, और ग्राउंड स्पेस भी इसका 205 mm का काफ़ी अच्छा जो है एक XUV का होता है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमारे को 2 वाइपर मिल जाएंगे, यहाँ पर वाशर रहेगा, बोनट पर आपको कुछ डिजाइन मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा जो कंपनी का लोगो रहेगा, क्रोम का स्टफ आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक के अंदर हमारा जो बम्पर है वो आपको मिल जाता है, यहाँ पर हमारे DRL रहेंगे और पार्किंग इंडिकेटर, नीचे हमारा 3 लाइट का सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साइड की प्रोफाइल की हम बात करते तो हमारे को डायमंड कट एलॉय मिल जाएंगे, यहाँ पर कंपनी का वैसे लोगो रहता है वो अभी डला नहीं है। हमारे को 16 इंची टायर मिल जाते हैं, फ्रंट के ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर, बैक के हमारे ड्रम के अंदर रहेंगे, और यहाँ पे साइड में हमारे को ना विंडो पर हल्का सा ये आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, टेप रहती है मोस्टली, अभी ये ब्लैक ही है ना प्रॉपर, इस पर दिखाई नहीं देगी आपको, ये यहाँ पर एरो का डिजाइन सा मिल जाएगा। आउटसाइड मिरर है वो भी आपको बॉडी कलर के ही मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर के साथ में बॉडी कलर के आपको हैंडल मिल जाते हैं, और भाई ए से लेकर सी पिलर तक आपको ब्लैक का स्टॉप प्रॉपर मिल जाता है, रूफ रेल मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का ग्राउंड स्पेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमारे को 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बैक के ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर मिल जाएंगे, बॉडी कलर के हैंडल हमारे चारों ही रहेंगे, यहाँ पर भी ना ब्लैक का स्टफ मिल जाता है। जैसे ही गाड़ी के आप पास में आते हो ना, ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है, और 2 मीटर से दूर जाओगे ना गाड़ी तभी लॉक हो जाएगी, और पास में जाते ही अनलॉक हो जाएगी। ऊपर हमारे को सरफेन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर आपको बैक में हमारे को हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, पीछे डिफोगर नहीं रहेंगे, वाइपर मिल जाएगा सिर्फ, सी शेप में आपको ये लाइट मिल जाती है टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ में, रिनोल्ट की यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिल जाती है, काइगर की आपको बैजिंग मिल जाएगी, बैक कैमरा मिल जाएगा, पीछे आपको सेंसर जो पार्किंग के है ना वो आपको मिल जाते हैं, 3 पार्किंग सेंसर यहाँ पर रिफ्लेक्ट रहेंगे, ड्यूल टोन के अंदर हमारा जो पीछे का बम्पर है वो मिल जाएगा, सिल्वर और ब्लैक का स्टफ रहेगा, ये है जो हमारा रफ ब्लैक रहेगा, ऊपर हमारा ग्लोसी ब्लैक दिखाई आपको दे रहा होगा भाई। वो जो गाड़ी का बूट स्पेस है ना वो भी देखिए एक बार आपको ना ओपन करके दिखा देते हैं, और पहले इसके दिखाते हैं नीचे से, नीचे हमारे एडजस्ट पाइप और टू का ऑप्शन पीछे रहेगा, जो बूट स्पेस है वो भी आपको ओपन करके दिखाते हैं भाई। 405 लीटर का काफी बड़ा आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है आराम से, 5-6 बैग इसके अंदर कैरी कर सकते हो भाई, पार्सल ट्रे मिल जाती है, और भाई यहाँ पर हमारे टूल रहेंगे, चाबी पाने सारा कुछ इसी के अंदर मिल जाता है, स्पेयर व्हील रहेगा इसका भाई, यहाँ पे नीचे हमारा 16 इंची इसका स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है। साइडों में हमारे ना कैरी करने के लिए कुछ भी सामान वगैरह रखना ना, ये यहाँ पर दोनों साइड में आपको हुक दिए हुए हैं भाई। ये है भाई बैक का हमारा जो इसकी गाड़ी की प्रोफाइल है ना, और स्पेस भी काफी ज्यादा बेहतरीन, और पीछे से देखने में भी यार ये गाड़ी की जो लुक है ना काफी ज्यादा मस्त हमारे को देखने को मिल जाती है। काइगर और इसके जो पहले एक डस्टर आई थी ना गाड़ी, उसने भी यार मार्केट में ना काफी ज्यादा रोप बना था, ये जो गाड़ी है ना इनकी काफी ज्यादा मस्त है गाड़ी है। पीछे का जो स्पेस है वो भी आपको एक बार दिखा देते, यहाँ पर आपको ना चाइल्ड लॉक मिल जाता है, ये अलग से आपको एक स्टफ रहेगा, ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक के हैंडल मिल जाएंगे, पावर के कंट्रोल, बोतल के लिए काफी बड़ा स्पेस, स्पीकर, लेग रूम स्पेस काफी बड़ा मिल जाता है, और जो हमारी सीटें हैं भाई वो हमारे को फैब्रिक कपोस्टी मिल जाती है, लेदर नहीं रहेगा। पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एसी के वेंट दो, यहाँ पर हमारे को ना देखिए पीछे है आराम रेस्ट मिल जाएगा, ये यार मेरे को सही लगा, आराम रेस्ट के अंदर जैसे बड़ी गाड़ियों में आपको मिलता है ना 2 कप होल्डर, साथ में आपको फोन के लिए रिसीवर ये भी मिल रहा है भाई। इधर एडजस्टेबल आपके 4 हेडरेस्ट रहेंगे, सिर्फ बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी सभी हेडरेस्टों को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जहां पर आपको कंफर्ट रहता है। लेग रूम और हेड तो यार स्पेस इस गाड़ी का मस्त है ही, बीच में आपको यहां पर रीडिंग लाइट मिल जाएगी, हैंडल बार,
और ऐसा कुछ ये लोकेशन हमारी साइड की रहेगी। यहाँ पे एंट्री करते हैं फ्रंट में ड्राइवर साइड। यहाँ पर हमारे पावर के कंट्रोल रहेंगे, हैंडल, स्पीकर और इधर हमारा ड्यूल बोतल स्पेस मिल जाता है। पैडल रहेंगे हमारे इधर और फ्रंट की लाइट, इसको कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं हम, अप डाउन कर सकते हैं। सिक्स वे में एडजस्टेबल हमारे को सीट मिल जाती है, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन, और इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डाउन इसको कर सकते हैं। शानदार सा हमारे को डैशबोर्ड और स्टेयरिंग इसका है, ऐसा कुछ अंदर का इंटीरियर रहने वाला है। एक बार अंदर एंट्री करते हैं भाई। BS6 ये फेज टू है हमारा 2023 का ना, BS6 फेज टू। इसमें जो इंजन है अभी सब इंजनों में ना मॉडिफिकेशन किया भाई, आपको इनके अंदर नॉइस नहीं मिले वाली, चार फीचर और इन्होंने ना एड ऑन किया, वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको सेफ्टी फीचर और इसके अंदर मिल जाते हैं। ये विंडो पे स्पीकर, चारों विंडो पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे, चार स्पीकर इसके अंदर, और जो है ट्विटर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे को ना देखिए अलग से पोर्शन दिया भाई, हम कार्ड रख सकते हैं, इधर भी कुछ बुक वगैरह और पीछे फर्स्ट एड किट है ना वो ड्यूल, आपको ना ये एक अपर ग्लो बॉक्स मिल जाता है, एक डाउन वाला, और यहाँ पे आपको अलग सा स्टफ मिल जाता है भाई ड्यूल टोन का। इधर हमारा वेंटी मिरर, ऊपर हमारे भाई रहेंगे हैंडल बार, यहाँ पे हमारी लाइट, डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, और इधर हमारा सनवाइजर, और यहाँ पे रहेगा हमारा ये माइक, जैसे हम बात करते हैं ना ये हमारे को ये कंफर्ट देगा भाई, हम बात करते हुए ये जो माइक है हमारा यहीं से डायरेक्ट हमारी आवाज आएगी, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं ना आसानी से, यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर कैच करेगा ये। शानदार सा हमारे को ना इसका स्टेयरिंग मिल जाता है, स्टेयरिंग के ऊपर हमारा लोगो रहेगा, नॉर्मल स्टेयरिंग रहेगा, लेदर रैप आपको सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पर हमारा मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, कॉल कट रेशियो, वॉइस कमांड, वॉल्यूम का अप डाउन कर सकते हैं, और यहीं से हमारा हॉर्न रहेगा भाई। एयरबैग का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक एयरबैग मिल जाएगा और एक एयरबैग आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल। इधर हमारे रहेंगे वाइपर कंट्रोल, इधर हमारी लाइट कंट्रोल, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना देखिए वो भी हम आपको दिखाता हूँ। शानदार सा आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, एक साइड हमारा RPM रहेगा, एक साइड हमारे को टेम्परेचर मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे फ्यूल वार्निंग है वो भी दिखा रहा, बीच में हमारा डिजिटर है, ब्रेक को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा गाड़ी स्टार्ट हमारी हो जाएगी ये, और हल्का सा मेरे को सिर्फ ना ये दबाने की जरूरत है। देखिए ये हमारा शानदार सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ से देखिए मैं इसका ना डिटेल चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, किलोमीटर एवरेज, फ्यूल का, ये है ना आपका मीटर। देखिए पहले मोस्टली कुछ इसमें पहले ड्राइवर वगैरह में नहीं, ड्राइवर में तो शायद आता था, इस पर तो यहाँ पर अभी ना ग्लास दिया हुआ इन्होंने प्रॉपरली ऊपर की तरफ, जैसे डायरेक्ट इस पे हमारा हाथ नहीं लगे। 9 इंच हमारे को यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, चार आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं, अब जैसे ये टच स्क्रीन हमारा म्यूजिक सिस्टम रहेगा, रेडियो, मीडिया, फोन, व्हीकल सेटिंग, स्मार्ट, जैसे इसमें देखते हैं हमारे को वॉल्यूम, लाउड स्पीकर, बेस, साउंड, डिस्प्ले के लिए यहाँ पर मिल जाता है, ब्राइटनेस हम इसकी सेट कर सकते हैं, डे नाइट का भी मोड इसमें एक्टिव कर सकते हैं, ड्राइव का जो हमारा है इसमें हम सेट कर, जैसे डिवाइस मैनेजर है, ब्लूटूथ है, अपना वाईफाई है, ये ट्यूटोरियल है इसमें हमारा, जो फ़ोन से कनेक्टिविटी का ऑप्शन ये मिल जाता है, सिस्टम है इसके अंदर हमारा लैंग्वेज, क्लॉक, फैक्ट्री, ये सिस्टम वर्जन सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इधर से हमारा जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन, व्हीकल सेटिंग, कैमरा है, बैक हाउस फोन ऑफ कर सकते हैं, ड्राइव इको, ट्रिप रिपोर्ट, इको कोचिंग, काफ़ी सारी आपको इसके अंदर सेटिंग्स मिल जाती हैं। नीचे हमारे एसी के दो वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर हमारा देखिए पार्किंग इंडिकेटर, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन का कंट्रोल, ये अभी इसके अंदर एक और फीचर एड ऑन किया है, टायर प्रेशर का, और भाई यहाँ पर हमारा एसी, इसका टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड, यहाँ से एयर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और नीचे फ़ोन के लिए स्पेस मिल जाता है, USB रहेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे हमारा एक और स्पेस ड्यूल स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और भाई ये सिंपल सा हमारा गियर रहेगा, बैक गियर हम लगाते हैं ना इसका, ऐसे हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, ये हमारा बैक में डिस्प्ले हमारी दी गई है, ऊपर की तरफ जैसे हुंडई वाली गाड़ियों मोस्टली कुछ गाड़ियों में रहता है, आपको इसको हल्का सा इस साइड से प्रेस करोगे ना उंगली से और पीछे लगाओगे आपका बैक गियर लग जाएगा, आगे की तरफ यहीं हमारा जो फर्स्ट वाला गियर है वो लगेगा, यहीं पर बैक वाला, काफ़ी बड़ा हमारे ग्लू बॉक्स मिल जाता है, इसको जैसे स्लाइड करेंगे ना काफ़ी स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा, सिंपल हैंड ब्रेक रहेगा, यहाँ पर ये चुंबक है, जैसे इसको डालेंगे ना ऐसे ये इससे चिपक जाएगी, लेदर रहेगा हमारे इसके ऊपर आर्म रेस्ट पे। ये है भाई इसका अंदर का इंटीरियर, गाइस आप हमारे कमेंट कर सकते हो भाई ये गाड़ी जो रेनॉल्ट की काइगर आपको कैसी लगी, और जो इसकी चेंजेज है ना प्रॉपर से मैं आपको बताता हूँ भाई, जो BS6 के अंदर आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेज देखने को मिल जाएंगे। अजय हमारी रेनॉल्ट की काइगर है ना RST ऑप्शनल है, इसके अंदर जो हमारा चार जो फीचर इसके अंदर एड किए गए हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मिल जाएगी,
डायरेक्शन कंट्रोल रहेगा, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाएगा और टायर प्रेशर, ये चार चीजें यार अभी जो सभी गाड़ियां ना, छोटे से छोटी गाड़ी और बड़े से बड़ी इनकी गाड़ी है ना, उनके अंदर आपको चारों चीज बेस मॉडल से लेकर और टॉप मॉडल तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे। सभी मॉडलों में यार इन्होंने मॉडिफाई किया। मोस्टली क्या रहता है, कंपनी एक ही मॉडल में करके ना वो भी छोड़ देती है, इन्होंने किया सभी मॉडलों में, जैसे काइगर में किया है, ट्राइवर में किया, कवीड में किया, सभी मॉडलों के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इससे भाई गाड़ी की जो आपको पता है सेफ्टी भी और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये चार चीज़ें यार मोस्टली बहुत ही ज़्यादा जो लग्जरी गाड़ी होती है ना उनके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई। अब आपको इसी गाड़ी के अंदर ये सारे कुछ फीचर मिल जाएंगे तो भाई ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए देखिए बेहतरीन होने वाली है। एवरेज भी आपको इसको जैसे चलाने के ऊपर डिपेंड है भाई, कंपनी क्लेम करती है भाई 19 की एवरेज आप इस गाड़ी से ले सकते हैं, 19.1 या 2 की ऐसा कुछ कंपनी ना इसकी क्लेम करती है भाई, ये एवरेज आपको इसकी मिलने वाली है। इस मॉडल का अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 8,24,990 रुपये भाई इस मॉडल का हमारा एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस जो आप नियर बाई जो भी एजेंसी ना आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो भाई, सभी एजेंसियों का अलग अलग से आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा। ये चार चीजें भाई इसके अंदर आपको एड ऑन मिल जाएंगे और बाइक कलर तो देखिए जेड ब्लैक है जो सभी को ये फेवरेट रहता है, व्हाइट और जेड ब्लैक गाड़ियों का मोस्टली फेवरेट, व्हाइट तो सदा बार और जेड ब्लैक यार एक ऐसा कलर है जो बहुत जैसे VIP बंदे वो भाई इसी को ही पसंद करते हैं, MLA MP मोस्टली जैसे ब्लैक स्कॉर्पियो या ब्लैक और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, मोस्टली यंग की है ना, यंग जो जनरेशन है उनकी फेवरेट ये गाड़ी रहती है, वे ब्लैक ही गाड़ी चाहिए उनको मोस्टली। कुछ गाड़ियों में ब्लैक नहीं आता, कुछ गाड़ियों में आपको अब देखने को ब्लैक मिल जाएगा भाई। ये गाड़ी थी हमारी RXT जो ऑप्शनल मॉडल है और इसका यार जो देखने के अंदर जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको मिलने वाला है। एक SUV मिलने वाली, बस सिर्फ आपको इसके अंदर ना सनरूफ नहीं मिलने वाला और बाकी मोस्टली सभी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। बड़ा सारा बूट स्पेस है यार आपको इसकी, यार पावर टोरक एवरेज काफ़ी मस्त मिल रही है, गाड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा मस्त मिलने वाली है। यार ये गाड़ी आपको प्लीज़ कैसी लगी हमारे कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं यार किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।